सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। माँ की ममता और पिता की क्षमता। जब बेटा समझ जाए तब धरती पे ही स्वर्ग बन जाता है। अपने रिश्ते और पैसों की कदर एक समान करी। दोनों को कमाना मुश्किल है लेकिन गवाना बहुत आसान। जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का और श्रेष्ठ पाने का। आज का पंचांग 23 जून 2022 दिन गुरुवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि, रात्रि 9:41 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रेवती नामक नक्षत्र सुबह 6:14 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्विनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:09 से 50 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:02 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर सुबह 6:14 तक रहेगी। इसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। तुला राशि 23 जून 2022 दिन गुरुवार, अपने जैसे रुचि और सत्तासीन व्यक्तियों से साझेदारी बनाने की कोशिश करें। कुछ आदमी आपको झूठी आशाएं देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। अपने आप से फैसले लें और उन पर जमे रहें। आप काफी समय से घर खरीदने की सोच रहे हैं, अब आप ऐसा कर सकते हैं। पिता के जैसा कोई व्यक्ति यात्रा में आपको कंपनी दे सकता है। अपने विश्वासों को टटोलने के लिए यह समय अच्छा है। जल्द ही नए करियर का अवसर पैदा होगा। अचानक मिले अच्छे भाग्य का आनंद लें। आपके प्रयास आपको नाम और प्रसिद्धि दोनों दिला सकते हैं। यह केवल एक शुरुआत है। आपका जबरदस्त रवैया आपके साथ काम करने वालों को भी प्रभावित करेगा। आप आज अथक काम करेंगी किंतु इसका परिणाम भी शानदार होगा। छोटी छोटी असफलताओं से खुश ना हो, बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए हिम्मत करें। घर के बदलाव या रखरखाव की योजनाओं पर काम करने के लिए अच्छा समय है। आप अपने व्यवहार कुशलता द्वारा किसी पारिवारिक विवाद को निपटाने में सफल रहेंगी। आपसे संबंधों में फिर मधुरता आएगी। जीवन में नई शुरुआत करने के लिए पुरानी बातों को पीछे छोड़ना जरूरी है। जिन बातों को आप पीछे छोड़ रहे हैं उनका कारण जान पाना आपके लिए संभव होगा। जीवन में बदलाव आ सकता है। आपसे जुड़े लोगों का विश्वास बना रहेगा। व्यापारी वर्ग को अटका हुआ पेमेंट प्राप्त हो सकता है। किसी भी व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय सतर्कता रखें। पार्टनर फिलहाल आपका साथ दे रहे हैं लेकिन उनके संयम की परीक्षा ना लें। शुगर को नियंत्रण में लाना आवश्यक होगा। चुनाव लड़ने के इच्छुक राजनेताओं के लिए अच्छा अवसर है। भारी मशीनरी के सरकारी सप्लायरों को अच्छा लाभ हो सकता है। संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो आगे बढ़ें। अनुकूल समय है, उत्साह बढ़ा चढ़ा भी रह सकता है। महिला पुलिस कर्मियों को अपने उच्च अधिकारियों की गुड़बुक में आने की दृष्टि से अनुकूल समय है। पितावरदान वाले वकीलों को शुभ समाचार मिल सकता है। समाज में प्रभुत्व बढ़ सकता है। डिप्रेशन के बारे में खास सावधानी रखें। राजनीतिक परामर्शदाताओं के लिए अच्छा अवसर प्राप्त करने का समय है। चित्रकारों को बड़ा मंच मिल सकता है। किसी विशिष्ट व्यक्ति से भेंट संभव है। शारीरिक शिथिलता की अधिकता परेशान कर सकती है। GST अधिकारियों को करियर के मामलों में अधिक अनुकूलता रह सकती है। किसी भूमि के रूपांतरण में अनुकूलता रह सकती है। बड़े भाई के साथ संबंध सहज रह सकता है। सिर दर्द भी हो सकती है, ध्यान रखें। सावधानियां, ध्यान रखें कि किसी अनजान व्यक्ति की तरफ से आपको नुकसान पहुंच सकता है। परिस्थितियों का पूर्ण अवलोकन करते रहें तथा आलस को हावी ना होने दें। इस समय विद्यार्थी तथा युवा वर्ग भी अपने कार्यों के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। बात करते हैं लव लाइफ की।
माहौल मस्ती का है। आपकी मुलाकात काफी आकर्षक व्यक्ति से हो सकती है। आप उसके साथ यादगार समय बिताएंगे। सितारे आपके पक्ष में हैं। यह आदमी आपका काफी करीबी बन सकता है। अभी के लिए अपनी काम संबंधित सभी चिंताओं को एक तरफ रख दें और इस खास आदमी के साथ खास समय के एक पल का आनंद लें। आपको कई नई बातें भी पता चलेगी। प्रेम की बगिया में बाहर के लिए इसे प्यार और विश्वास से सींचें। आपका धार्मिक झुकाव आपको धर्म स्थान गुरु शरण या यात्रा के लिए ले जा सकता है। आपके सकारात्मक रवैये की वजह से आज आपको सहयोगियों और वरिष्ठों का पूरा समर्थन मिलेगा। आप अपनी सफलता का जश्न अपने हमसफर के साथ मनाएंगे और कुछ ऐसा वक्त उनके साथ बिताएंगे जो आपके जीवन का सबसे सुनहरा समय होगा। अंतरंगता के लिए प्यार के साथ साथ संबंधों में विश्वास का होना भी जरूरी है। घर में मेहमानों के आगमन से उत्सव भरा भी माहौल रहेगा। उपहारों का आदान प्रदान जैसी गतिविधियां सबको खुशी प्रदान करेगी। बात करते हैं करियर की। अच्छा, आपको नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है जो कि आपके कार्य क्षेत्र में अलग होगा। आपको दोनों क्षेत्रों को आपस में तौलना होगा ताकि आप सही करियर का निर्णय ले सकें। हालांकि यह आपके लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा, पर आप पूरी तरह से अपने कार्य क्षेत्रों को ना बदलें। आप अपने परिवार या अपनी जीवन संगनी का मत भी ले सकते हैं कि कौन सा कार्य क्षेत्र आपके लिए उपयुक्त रहेगा। पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के कारण आपके लिए कार्यस्थल और रोमांटिक जीवन में समस्या भी आ सकती है, ध्यान रखें। करियर में बदलाव और उच्च शिक्षा आज आपकी प्राथमिकता है। विदेश यात्रा या संपर्क आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। अभी जीवन के विभिन्न पहलुओं के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। दुर्घटनाओं की संभावनाओं के चलते अपनी यात्रा पर प्रतिबंध लगाएं। आपका आगे बढ़ने का रवैया आसपास के लोगों से आपको समर्थन प्रदान करेगा। आपके थका देने वाले काम के परिणाम भी शानदार होंगे। मेहनत आपको प्रसिद्धि और पहचान दिलाएगी जैसा आप चाहते हैं। बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। याद रखें, सभी की मृत्यु निश्चित है, लेकिन बड़ी उपलब्धियां इंसान को अमर बना देती है। व्यवसाय में अपने माल की गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पार्टनरशिप संबंधित कामों में फायदेमंद स्थितियां बनेगी। किसी भी काम में आपके सहयोगियों की सलाह फायदेमंद रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को डिपार्टमेंट से जुड़ा ही कुछ बदलाव हो सकता है। बात करते हैं सेहत की। कुछ समय अपने आराम के लिए जरूर निकालें। सर्वाइकल और कंधों में दर्द जैसी स्थिति रह सकती है। लोगों ने आपको बुरा आदमी समझ लिया है। उन्हें समझने दें और निराश ना हो। समय की गुजरने के साथ साथ उन्हें खुद ही पता चल जाएगा कि आप कैसा आदमी हैं। अपनी प्राथमिकताओं के बारे में एक बार फिर सोच लें, आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं। इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए तैयारी करें और दौड़ लगाएं। आज का उपाय। आज आप साईं बाबा जी की पूजा आराधना करें। साईं बाबा जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।